मतलब यहाँ पे सरेंडर वाला शेयर है. ओके, सो लुक एट द एग्जाम्पल नंबर सिक्स. एग्जाम्पल नंबर सिक्स अगर देखोगे तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है. ऑल पार्टनरशिप सर्टेन प्रोपोर्शन देयर. एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखेंगे आप लोग. आई एम स्टार्टिंग अ वीडियो, जस्ट वेट. नाउ सी, हियर इज अ क्वेश्चन. एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर मतलब बैक एक्सरसाइज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल. अपन इसको सिर्फ बुक में ही करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब पहले इसको समझ लो, उसके बाद फिर अपन जो है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर सिक्स. ए बी यहाँ पर क्या बता रहा है? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स गिव अ फिक्स शेयर टू द न्यू पार्टनर, इज दिस मेथड द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस अ प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर बट गिवन इट टू न्यू पार्टनर्स. देखिए, उसने कुछ सेक्रीफाइस, जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कुछ सेक्रीफाइस करेंगे अपने हिस्से का शेयर और न्यू पार्टनर को देंगे. दिस पोर्शन इज डिडक्टेड फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर शेयर्स एंड न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड. उसके बाद दिस प्रोपोर्शन इज डिडक्टेड. उसके जो भी उसके हिस्से का जो भी शेयर है वो अपन उसके शेयर से डिडक्ट करेंगे, मींस माइनस करेंगे. डिडक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करेंगे. डिडक्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर शेयर एंड न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड. नाउ एग्जाम्पल नंबर सिक्स. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. 5:3 में जो है ए और बी है. दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर. ठीक है, जो एडमिटेड होगा, सी जो एडमिटेड होगा वो 1/6 शेयर के साथ होगा इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, अपने प्रॉफिट के शेयर के साथ. ठीक है, मतलब जो भी एडमिट होगा, सी जो एडमिट हो रहा है वो 1/6 के शेयर साथ हो रहा है. लेकिन सी ने यहाँ पे टुक किया. टुक मतलब लेना. ठीक है, सी टुक 1/8 फ्रॉम. फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग देखा जाए, अगर आप लोग देखोगे, अगर आप प्लस करते हो तो इसको आप क्या लिखते हो? एंड लिखते हैं अपन, है ना? अगर आप देखोगे कि इसके साथ इसको अगर ऐड करते, मैं जब आप लोग को क्लास 8 में 7 में जब प्लस माइनस के लिए दिया जाता था तो ऐसे दिया जाता था ना, ऐड करना है. तो किसको किसको ऐड करना है? जो भी है 1 एंड 2 को ऐड करना है, ऐसा करके लिखा रहता था, है ना? अभी जो है, और माइनस पर क्या लिखते थे? जब माइनस रहता था तो उसको पर लिखते थे फ्रॉम. ठीक है, इंटू रहता तो क्या लिखते थे? ऑफ. और डिवाइड रहता था तो क्या लिखते थे? बाय. ओके, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा प्लीज, बिकॉज यहाँ पे जो है अपन का डिवाइड और प्लस तो नहीं है, बट ये दो चीज बहुत काम का है. ओके, ये फ्रॉम और ऑफ जो है ये बहुत काम का है. अंडरस्टैंड? तो ये माइनस का मतलब होता है फ्रॉम और मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ, है ना? मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? ऑफ. अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रॉम. ए ने टुक किया 1/8 फ्रॉम ए, ए से लिया, एंड 1/24 फ्रॉम बी, और बी से 1/24 लिया. ठीक है, अभी जो है यहाँ पर आप देखोगे, कैलकुलेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है. सी ने टुक किया 1/8, 1/8 के साथ जो है टुक किया. तो आप देखोगे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है. यहाँ पर क्या है? 24 है, और यहाँ पे क्या है? 8 है ना? तो इसको डिनोमिनेटर को अपन को सेम करेंगे. उसके पहले जो भी इंफॉर्मेशन है अपन उसको लिखेंगे. ओके, इंफॉर्मेशन सबसे पहले दिया हुआ है, देखो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 5/8 एंड 3/8. कहाँ से आया ये? यहाँ से आया. ओके, 5/8 का मतलब होता है 5 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा. तो
ए का कितना है 5/8 है और बी का कितना है 3/8 है। मैं इसको अभी थ्योरेटिकली समझा, प्रैक्टिकल अपन बैक क्वेश्चन करेंगे। अभी जो है ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले सीख लो, ठीक है, समझ लो, देन आफ्टर वी विल गो फ्रॉम गो टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 15। सो अब न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है तो फ्रॉम करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, है ना। माइनस करना पड़ेगा, किससे माइनस करना पड़ेगा, ए के शेयर से माइनस करना पड़ेगा। तो ए का शेयर कितना है 5/8, तो यहाँ पर हमने 5/8 लिखा। और उसने सी ने कितना लिया फ्रॉम, कितना लिया सी से 1/8, तो 1/8 लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्वल्स टू, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सब दोनों का सेम है। तो अपन 8 लिखे, 5 - 1 किए, उसके बाद फिर अपन 4/8 लिखे, ठीक है, हो गया, ये 4/8 हो गया। यहाँ पर 3 और 3 मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आगे जाके आपको ये डिनोमिनेटर चाहिए रहेगा 24 वाला। तो आप चाहे इसको अभी भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर बस सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर अगर आप बी का देखोगे, न्यू रेशियो ऑफ बी इक्वल्स टू 3/8 -1/24। 1/24 कहाँ से आया, ये, ठीक है। यहाँ पे जो है 1/24 इसने क्या किया, बी ने सी ने बी से लिया, इसलिए उसके शेयर से माइनस कर दे रहे हैं। तो 3/8 -1/24, इन दोनों का जो एलसीएम निकालोगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। अगेन इसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, ये डिनोमेटर है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 24, है ना, 24। उसके बाद ये दोनों का डिनोमेटर 24 लिखिए। अभी 24/8, है ना, देन आफ्टर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद फिर माइनस करेंगे बीच में, 24/24, 24/24 इंटू कितना होगा 1 होगा, है ना। अभी इसको आप लोग क्या करोगे, 28 के साथ 8 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 3 * 3 माइनस 24/24 कितना आएगा 1 * 1 अपॉन 24। 3 * 3 = 9, 9 - 1 = 24। ये मैंने इसको बड़े में किया, यहाँ पर इसको शॉर्टकट में कर दिया, इसलिए 9/1/24, देखो यहाँ पे भी वही चीज ही आ रहा है ना। इसको मैंने आपको इलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से 9/1 आया, 9 - 1 / 24 आया, ये मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमने लिया पहले 24, देन आफ्टर वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन एंड डू दिस क्वेश्चन, ओके। सो 9 - 1/24 इक्वल्स टू 8/24 आ जाएगा, क्योंकि 9 से अगर आप 1 माइनस करोगे तो 8/24 आ जाएगा, ठीक है। अभी जो है सी का रेशियो, सी का रेशियो कितना है देखोगे, वो 1/6 शेयर के साथ आया है। सी जो है 1/6 शेयर के साथ आया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1/6 लिख सकते हो, ठीक है, 1/6। ये अलग किया है, देखो यहाँ पे किया है, या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करो, दोनों में से कोई एक तो कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया है, जितना भी उसने सेक्रीफाइस किया, मतलब देखो 1/8, 1/24, ये 1/8 और 1/24 को प्लस कर दिया है। तो प्लस करने के बाद कितना आया, इसको डिनोमिनेटर सेम वैसे करे हैं तो 3 + 1/24 इक्वल्स टू 4/24, इसी के जैसे पुट करना है, बस नंबर्स अलग रहेंगे, बाकी ऐसे ही पुट करना है, ठीक है। तो 4/24 आया। या तो आप कैसे कर सकते हो, जो भी उसका शेयर है, क्योंकि देखो कभी कभी ना सी का शेयर नहीं दिया रहता है, मतलब जो भी न्यू पार्टनर आते हैं ना उसका शेयर नहीं दिया रहता, तो हमको निकालना रहता है, तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, इस वाले मेथड से। और अगर दिया हुआ है 1/6, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सिंपल है, 1/6, इसका भी 24 है डिनोमिनेटर, इसका भी 24 है डिनोमिनेटर। तो हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/4। 1/6 * 4/4 इक्वल्स टू 4/24, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो न्यू शेयर कितना है, 12/24, 8/24, 4/24, 12 * 8 * 4, 3 * 2 * 1, ठीक है। इसको और शॉर्ट कर दी क्योंकि ये आपका 3 इसके टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है।
फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो आंसर कितना है 3:2:1। ये सोल्यूशन समझ में आया क्वेश्चन स्टूडेंट्स, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। टेल मी स्टूडेंट्स। मैम समझ आ गई। आ गया ना? ठीक है, अभी जो है अपन बैक एक्सरसाइज करेंगे। क्या बताओ? Now students see question number 15. X and Y are partner sharing profit and loss in the ratio of 4:7:3. Z was admitted as a partner. Z जो है वो admit हो रहा है as a partner. X ने कितना surrender किया? 1/7. Share of is share. अपने share of लिखा है, ध्यान देना please यहाँ पे. Of his share. And Y जो है 1/3 ऑफ हिज शेयर से जो है इस फेवर ऑफ जेड, जेड के फेवर में दे दिया, ऑफ बोला है, अपने शेयर में से दिया है तो ऑफ दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस, ओके, नाउ कैलकुलेट न्यू शेयर, अभी अपन कैलकुलेट न्यू शेयर करेंगे, जस्ट वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. So x old share kitna hai 7/10, okay, now y old share 3/10, okay, ye information diya hua hai. नाउ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स ने सरेंडर किया 1/7 शेयर के साथ जो है, एक्स ने अपने शेयर में से 1/7 दिया, अपने शेयर में से, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स सैक्रिफाइसिंग शेयर. अब बुक में क्वेश्चन पहले बैक एक्सरसाइज निकालो, बैक एक्सरसाइज निकालने के बाद जो है वे जस्ट गुड मॉर्निंग मैम. हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनन्या, इतना लेट आए बेटा क्लास में?
मैं ना आज हैपेंड? बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम स्कूल मेरा आज से शुरू है कि कल से, और आप अभी भी कल पढ़ा से रहे हो, फिर बेटा, अब कल से बेटा। आप वेट अनन्या वेट, आप लोग जो है आता है मैसेज अच्छे से पढ़ा करो, उसमें क्या लिखा, अल्टरनेट होगा, एक दिन मैथ्स वाले लोग का होगा, देन आफ्टर कॉमर्स वाले लोग का होगा। तो आज मैथ्स वाले लोग का है, और जिस दिन मैथ्स वाले लोग का होगा उस दिन आप लोग का ऑनलाइन क्लास होगा, और जिस दिन आप लोग का क्या बोलते हैं ऑफलाइन होगा उस दिन आप लोग का कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगा। समझ में आया? थोड़ा सा हाँ अपना भी मैम दिमाग ठीक है, लगाया करो। लेकिन मैम सर ने उसमें डेट नहीं डाले थे। हाँ ठीक है, डेट नहीं डाले वो, देखो अभी अचानक से चालू हुआ है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, तो वो चलते चलते हम लोग को ठीक पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, हम लोग भी पहले कंफ्यूज थे हाँ क्या करना है कैसे स्टार्ट करना है हम लोग को, तो अभी यहाँ पर आने के बाद धीरे धीरे सारी चीजें सॉल्व होगी ना, एक ही बार में आप लोग को नहीं समझ में आएगा। तो आज क्या है, आज मैथ्स वाले लोग का है मंडे, ट्यूसडे आप लोग को ऑफलाइन होगा, आप लोग को स्कूल आना है, अगर आना चाहते हो, अगर आप लोग का हेल्थ सही है तो ही आओ, अदरवाइज कोई वो नहीं है, एकदम मतलब प्रेशर नहीं है कि आना ही है। ओके, ऑनलाइन क्लासेस अच्छा चलती रहेंगी जब, लेकिन टाइमिंग अलग हो जाएंगी उस टाइम पे, ठीक है? ट्यूसडे लोग का, हाँ ट्यूसडे को कब होगा, कितने बजे होगा आप लोग का, 1 से 1:40 के बीच में होगा शायद, है ना, यस अकाउंट्स मैम का। हाँ, तो उस टाइम में आप लोग को ऑनलाइन में जोड़ लूंगी, जिस टाइम पे मैं ब्लैक बोर्ड में जब मैं क्लास लूंगी उस टाइम पे मैं आप लोग को जोड़ लूंगी, और बाकी जो लोग स्टूडेंट्स लोग आएंगे उसी टाइम पे क्लास लिया जाएगा, ठीक है? अगर हेल्थ ओके सही मैम है, सारा चीज सही है, अगर आपको नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप आ सकते हो, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू डोंट कम, अंडरस्टैंड? यस मैम ठीक है हाँ हाँ, और जिस दिन नहीं रहेगा क्लास आप लोग का, ऑफलाइन हाँ क्लास नहीं रहेगा उस दिन आप लोग का ऑनलाइन हाँ क्लास होगा, अल्टरनेट डेज करके हो रहा है। ठीक ओके, है मैम यस मैम ठीक है थैंक यू। हाँ। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर रहे हैं, अभी एक्स का ओल्ड शेयर हमने लिखा, वाई का ओल्ड शेयर लिखा, देन एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर, एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 7/10 के साथ उसने किया 1/7 सेक्रीफाइस किया। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स सरेंडर 1/7 शेयर ऑफ हिज शेयर, 1/7 शेयर जो है वो अपने शेयर में से जो है दिया है, ऑफ, अच्छे से ध्यान देना ऑफ, और मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे समझाया भी था, फ्रॉम का मतलब माइनस होता है, डायरेक्ट माइनस करोगे आप लोग शेयर के साथ और न्यू शेयर निकालोगे, ऑफ दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है माइनस करेंगे, ठीक है? तो अभी जो है अपन सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल रहे बिकॉज इस क्वेश्चन में ऑफ दिया हुआ है, सो 7/10 × 1/7 करोगे तो कितना आएगा आपका, 7/70, ठीक है? 7/70 आ रहा है तो इट मीन्स कि आप इसको छोटा कर सकते हो, 1/10 कर सकते हो। ओके, छोटा कर सकते हो, 7 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, 7 बार में, तो हो गया आपका 10 बार में 70। नाउ वाइज सेक्रीफाइसिंग शेयर लिखोगे, वाइज सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू 3/10 × 1/3 दिया हुआ है। देखो आप लोग, वाई जो है सरेंडर कर रहा है, वाई 1/3 ऑफ हिज शेयर इज फेवर ऑफ जेड, ठीक है? तो 3/10 × 1/3 इक्वल्स टू 3/30 इक्वल्स टू कितना होगा, 1/10, ठीक है? वाई सेक्रीफाइसिंग शेयर 3/10, 1/3, 3/30, 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता, 10 बार में, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि दोनों का शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल आ गया, 1/10, 1/10। ओके, हाँ नाउ अभी जो है अपन यहाँ पर न्यू शेयर निकालेंगे, किस किस का न्यू शेयर निकालेंगे, एक्स का। एक एक्स चीज और वाई आपने का नोटिस, हाँ आपने एक चीज इस क्वेश्चन में नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो जेड आ रहा है उसका न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है? मतलब उसका शेयर कितने शेयर को लेके आ रहा है नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं दिया निकालेंगे। हाँ, इसको हम निकालेंगे, जो कि अभी जस्ट पहले मैंने आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 6 से निकालना सिखाया था, ठीक है? अपन अभी इसमें भी सीख रहे थे। तो एक्स का न्यू शेयर है, एक्स का न्यू शेयर इक्वल्स टू क्या होगा, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर रेशियो कितना है, न्यू न्यू शेयर का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो 7/10 − 1/10। टेन ओके,
हाँ अभी जो देखोगे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको यहाँ पर 10 लिखना है और 7 - 1 करना है। वो डिवाइड वगैरह करते थे ना, वो पुट इक्वेशन में पुट करते थे, तो कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 1, तो कितना आएगा? 6/10 हो गया। अभी जो है वाइस न्यू शेयर, वाइस न्यू शेयर का कितना हो जाएगा यहाँ पे? वाई का शेयर कितना है? ओल्ड शेयर 3/10, तो 3/10 माइनस उसका सेकंड हैंड -1/10 हाँ 1/10, तो 1/10 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, कुछ नहीं करना है। 10 3 सीधे से माइनस डाट बताऊं, वन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना वहां पे तो। नहीं बेटा, कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा यहाँ पे, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताओ? यहाँ पर मैंने सिर्फ डिडक्ट किया है, माइनस किया है, यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। 2/10 मतलब सीधे हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा जो है मैंने लिख दिया, क्योंकि देखो माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई होता है, उसमें मैम। लिखा रहता है क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ही सिंपल है, एकदम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग शेयर दिया हुआ है, 7/10 उसका जो शेयर है, ओल्ड शेयर दिया हुआ है, उसमें से हमको सैक्रिफाइस निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझो, यहाँ लिखा है एक्स सरेंडर किया है अपने शेयर में से, ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/7 शेयर जो है उसने सैक्रिफाइस कर दिया, तो हमको निकालना पड़ेगा उसके ओल्ड शेयर में से 1/7 उसका शेयर हमको निकालना पड़ेगा कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया। तो हमने यहाँ पर वही चीज अलग किया, 7/10 करोगे तो 1/7। देखो अगर मान के चलो, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, अगर मान के चलो आपको अलग करना है कोई चीज को, माइनस करना अलग होता है और अलग करना अलग होता है। ये आपका 1 है, इंटू 1/2 करोगे, मतलब अगर आपके आपको अगर 1/2 करोगे तो आपका कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो 1 के साथ आएगा अगर हाँ 1/2 आएगा ना, 1 के साथ अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या हो कि आप इस 1 में से हाफ को अलग कर रहे हो, ये हाफ को अलग कर रहे हो, तो आपका बचेगा कितना? हाफ बचेगा, है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज कर रहे हैं, यहाँ 7/10 है इंटू 1/7 इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पता कर सके कि एक्स ने सैक्रिफाइस कितना किया है, तो हम यहाँ पे अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो 7/10 × 1/10 होने के बाद 7/70 / 1/10, वाई का भी ऐसे ही करना है, 3/10 × 1/3 = 3/30 / 1/10। अभी न्यू शेयर निकाल लिए, शेयर यहाँ पे देखोगे 1/6/10 और 2/10 आया है। ठीक है, अभी जो अपन हाँ, निकालेंगे जेड का न्यू शेयर निकालेंगे, जेड का जेड रेशियो निकालना। शेयर, न्यू शेयर अगर हम जेड का निकालेंगे तो दोनों सैक्रिफाइसिंग शेयर को प्लस अपन प्लस कर देंगे ना, प्लस हमारा कर आ जाएगा सकते, यस मैम। 1/10 + 1/10 1/10 + 1/10, क्योंकि प्लस इसमें वन दोनों अपॉन ने जेड ने दोनों से इतना इतना लिया है, वन टेन बाय यस टेन वन मैम। बाय टेन सैक्रिफाइसिंग शेयर। हाँ, ठीक है, टू अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का सेम है, अपॉन 10 है, तो यहाँ पर आ टू जाएगा अपॉन 1 + 1 = 2/10 आ टेन टू जाएगा। अपॉन हाँ, तो ये टेन कितना कितना आया? एक 6/10 आया, एक टू बाई गया, टेन आया, एक टू एक बन थ्री गया बाई टेन आया, और तो एक टू, यस 6 = 2 = 1, सॉरी मैम। 2 2 2 टू 6 = 2 = 2। अब इसको और शॉर्ट में लिखोगे, 2 के टेबल में हाँ, तो 6 आता थ्री, है ना, थ्री हाँ इज थ्री टू बन जा, वन थ्री टू बन हाँ जा, टू टू बन जा, टू, यस मैम, ओके अंडरस्टैंड। यस मैम। इस क्वेश्चन को आप लोग करो अच्छे से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 है उसको भी करो। ओके हाँ, 16, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बता दिया, और 16 जो है मैंने आपको 16 जो है अभी आप लोग घर पे बैठ के करो। मैम। हाँ, और मैम सुनिए ना हाँ बोलो, मैम, एक चीज और पूछ रही थी, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकती हूँ क्या? इकोनॉमिक्स के पीरियड में पूछना प्लीज। ठीक है मैम, वैसे क्या पूछना? चलो पूछो पूछो, चलो पूछो। यही पूछना था मैम कि मैम क्या बोलते हैं, कंफर्म आप बताइए तो। मैं मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, ये जो 16 चैप्टर आ रहा है उसमें से सिर्फ 8 चैप्टर आएगा जो आप उस इंट्रोडक्शन सिलेबस भेजे थे? हाँ, यस, उतने ही आएंगे। इकोनॉमिक्स का ठीक है पिछले ना। साल में उतने ही आए थे, इकोनॉमिक्स तो उतने ही है, बस अकाउंट्स में हाँ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अकाउंट्स प्रैक्टिकल है ना बेटा। देखो हाँ इकोनॉमिक्स का अकाउंट तो थियरी, पूरा देखो ही है। थियरी क्या होता है ना,
थियोरी क्या हाँ होता है, आप जहां भी जाओगे, कॉलेज में जाओगे या उसके और ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो आपको थियोरी हाँ याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल यस का मैम, बेसिक अगर चीजें अगर आप नहीं सीखोगे ना, तो वहां पे हाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसीलिए यस अकाउंट्स के मैम, ज्यादा चैप्टर कट नहीं किए हैं, जो जरूरी है एकदम जरूरी उसको आपको तो करना ही होगा, जो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपको फिर से बीकॉम या एमकॉम में कर सकते हो, तो इसलिए उसको कट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीजें ना, अगर आप बीकॉम पढ़ने के लिए जाओगे ना, तो आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाएगा, तो अगर आपको बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो एडवांस कहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो करेक्ट इसीलिए मैम, पहले बेसिक चीज है, ये सारी बेसिक चीजें क्लास 12th में, और इसी का रिविजन जो है आपको क्लास 12th में, सॉरी बीकॉम में मिलेगा, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे मिलेगा, थोड़ा एडवांस रहेगा उसमें, है ना, अगर आप लोग आगे ओके पढ़ाई मैम, करोगे तो उसके लिए। तो इसलिए इसमें ज्यादा कट नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने, हमारे सीजी के गवर्नमेंट ने। बाकी हाँ इकोनॉमिक्स का क्या थियरी है ना, आप लोग जो बेसिक चीजें वो कर सकते हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा उसको नहीं दे रहे। हाँ यस ओके मैम, वही मैं पूछ रही हूँ, डायरेक्टली 8 चैप्टर कट हो गया है मैम, खुशी तो हुई पर थोड़ा लगा कि सच में। हाँ यस हाँ तो अकाउंट्स, उसका जो है मेहनत आप अकाउंट्स में करो, मैम, अकाउंट्स वही में ज्यादा करती कट हूँ नहीं मैम, किए ना, हाँ अकाउंट्स में यस ज्यादा मेहनत मैम करती करो। ओके हूँ मैम, मैं भले क्लास अटेंड नहीं करती हूँ लेकिन पर्सनली पढ़ रही हूँ मैम। हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके यस बाकी मैम, स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है, स्टूडेंट्स और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टूडेंट्स रिप्लाई बेटा, कोई और स्टूडेंट्स है जिसको कोई डाउट है? अनन्या आपको और कोई डाउट है? नो मैम, मेरा ठीक है, क्लियर है। यस ओके ओके ठीक है, देन मैम, आई स्टॉप दिस क्लास। ओके थैंक यू मैम। ओके ओके बेटा, वेलकम। थैंक यू।